कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो SSB ने, जी हाँ दोस्तों, SSB ने जो जारी किए हैं, ये जो ट्रेनिंग के लिए जो रिपोर्टिंग सेंटर जो जारी किए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, किस बटालियन में ट्रेनिंग होगा, पिन कोड के साथ में ये क्या है, क्या क्या है, जारी किया है, ठीक है। उसमें रोल नंबर है, नाम है, फादर नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, रिपोर्टिंग सेंटर है, ठीक। और दोस्तों इसमें ये भी बताएंगे कि आसाम राइफल वालों का भी क्या होगा, कब होगा, CSF वालों का भी कब होगा, BSF वालों का क्या होगा, ठीक है, सभी को बताएंगे। पहले हम SSB को इसमें चर्चा कर लें, उस ट्रेनिंग कैलेंडर का जो है कि रिपोर्टिंग सेंटर नेम वाइज जो है, रोल नंबर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, पिन कोड वाइज, तो हम बता देंगे किस स्टेट का है तो कहाँ पर होना ज़रूरी है और होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, हम जरूर बताएंगे, एक एक करके नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन स्टेट ज़रूर बताएंगे किस स्टेट का कहाँ पर दिया है, और एक स्टेट का लगभग में एक ही जगह पे दिया है, नियर अबाउट, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लो दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, देखिए ऊपर में लिखा है आपको, एक मिनट, कि यहाँ पे कि डिटेल ऑफ 9905 प्रोफेशनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। हाँ, तो यहाँ पे जो है, हु हैव बीन इशूड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एडवाइज टू रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर ज्वाइनिंग ऑन 20/4/2021, यानी कि 20 अप्रैल को कराना है, ठीक है। 20 अप्रैल ज्वाइनिंग सेंटर में पहुँच जाना है, आपको सलाह दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, रिपोर्टिंग सेंटर। अगर हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश वालों को लगातार यहाँ पे कितने कहाँ बुलाए हैं, BN लखीमपुर खीरी में, 03 बटालियन BN लखीमपुर खीरी में। अगर बिहार वालों का बात करें तो बिहार वालों का भी लखीमपुर खीरी में ही लगभग बुलाया है। दोस्तों देखिए हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पर नेम वाइज, या यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। देखिए नेम वाइज अपना देखते जाइएगा या रोल नंबर वाइज स्क्रॉल करते जाएंगे हम, ठीक है। देखिए ज़रूर आप देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा लंबा ज़रूर है। देखिए जैसे कि ईस्ट चंपारण का, सभी डिस्ट्रिक्ट का दिया है लगभग में। आप पिन कोड से सर्च करना चाहेंगे तो पिन कोड से भी सर्च कर लेंगे, मतलब जिस तरह से आप सर्च करना चाहेंगे उस तरह से आप इसको सर्च कर लेंगे, ये ट्रेनिंग का है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसका लिंक हम दे देते हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर खोल लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, ठीक है। और कई पेजों में है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि 281 पेज हैं, अभी हम 14 पेज पे ही स्क्रॉल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो असम राइफल का, तो दोस्तों देखिए असम राइफल वालों का भी 1 अप्रैल को कहा था कि रिपोर्टिंग कराने के लिए, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए, लेकिन दोस्तों अभी तक उसका ज़्यादातर लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा के एक ही बार में बुला ले, लेकिन ऐसा भी नहीं, अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं रह गया 1 तारीख में, इधर में होली का भी 2 से 3 दिन अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगा, हॉलीडे रहेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब लगभग 1 हफ्ता आपके पास में समय बचा है, बीच में रविवार ही पड़ जाएगा, तो सब मिलाकर कि 1 हफ्ता से भी कम समय बचा है असम राइफल वालों के लिए भी, जो कि 1 अप्रैल से जो दिया था नोटिस, तो जहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से संभव नहीं है असम राइफल वालों का, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर CSF की बात करें दोस्तों, CSF का जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेनिंग कैलेंडर 17 मई को दिया है, 17/5/2021, यानी कि 5वां महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, तो ये क्या दिया है कि आपका वहाँ 0 वीक का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि 17 दिन से पहले आपको 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा, यानी कि 3 तारीख, तो 3 तारीख से 3 मई से पहले आपको वहाँ पर बुला लेगा, यानी कि नियर अबाउट 2nd वीक के बाद आपको बुलाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये CSF वालों के लिए। तो दोस्तों इसमें असम राइफल वालों का भी इससे ये जो सिचुएशन था वो बता दिया, CSF वालों का बता दिया, और ये SSB का तो लिस्ट ही है सभी लोग का, और इसमें सभी लोगों का जारी है, ये नहीं है किसी का नहीं है किसी का है, सभी लोगों का पिन कोड भी दिया है, ठीक है, और कहाँ पर जाना है डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, और पिता का नाम दिया है, आपका नाम दिया है, रोल नंबर भी दिया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका इसमें नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है SSB वाला। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।